इस वीडियो में हम करेंगे Xiaomi Smart TV X Series 55 इंच की अनबॉक्सिंग। Xiaomi ने लॉन्च किए थे 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच के तीन मॉडल। अब सीन ये है कि ऑलरेडी उनके Mi TV 5X एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो उससे ये कहाँ कम्पीट करता है, और इसका प्राइस थोड़ा सा Mi 5X से कम है और Redmi वाली सीरीज से ज़्यादा है। तो कुल मिला के 9 TV हो चुके हैं 43, 50 एंड 55 इंच पे Xiaomi के, जो कि अभी भी रेलिवेंट है। आपको मैं इस टीवी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मुझे टीवी बहुत पसंद आया है। अगर आपको टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप खरीद सकते हैं। और आपको बता दूं, ये मेरा फ़ोन नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप मी विद योर क्वेश्चंस। आपका कोई भी सवाल हो सेल से रिलेटेड कि हमें कौन सा टीवी खरीदना चाहिए, आपका सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर मैं पहुंचा दूंगा, खुद पर्सनलाइज रिस्पॉन्स और डिस्काउंटेड लिंक के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके खरीद सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है Xiaomi Smart TV X सीरीज का बॉक्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडियाज़ नंबर वन स्मार्ट टी वी ब्रांड। सेंटर में लिखा हुआ है Xiaomi Smart TV बॉक्स। में बस बॉक्स में पसंद करने वाला है क्या, एक नॉर्मल कार्डबोर्ड का बॉक्स ही तो होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे कुछ कंपनी व्हाइट बॉक्स बनाती है वैसा सा इसमें बहुत प्यारा लुक आ रहा है। एक्स सीरीज लिखा हुआ है, नीचे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस नहीं लिखा हुआ, मतलब डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है। वेट पिक्चर इंजन, DTS SD, 30 वॉट के स्पीकर इसमें आपको मिल जाते हैं, और वाइट कलर गैमेट लिखा हुआ है, WCG, ओके गूगल का सपोर्ट है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, यहाँ पे MI का लोगो लिखा हुआ है। तो ये तो है बॉक्स का फ्रंट। एक बार बैक की बात करते हैं। दोस्तों, ये है बैक, और बैक पे हमेशा की तरह लिखा हुआ है Always believe something wonderful is about to happen, Xiaomi Smart TV लिखा हुआ है। और जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी, जो इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ, ओपन बॉक्स डिलीवरी का बाकायदा लोगो है, कि जब भी आपके पास बॉक्स आएगा तो आपके पास श्योर रहेगा कि आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी लेनी है, और तरीके से कैसे कैसे OTP शेयर करना है वो सब लिखा हुआ है। तो फ्लिपकार्ट से मैंने टीवी खरीदा था, फटाफट से इसको खोल लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा मैंने सॉन्ग वॉन्ग डालने का ट्राई किया था। तो बात करते हैं वारंटी की। तो ऑब्वियसली MI की सर्विस काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक साल की ही वारंटी मिलती है तो क्या फ़ायदा। आप इसको 4 साल तक एक्सटेंड करके कुल मिला के 5 साल तक कर सकते हैं गो वारंटी के जरिए। गो वारंटी इज़ अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो करती क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग वारंटी को 5 साल तक पहुँचा देती है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है बाद में तो आपको जस्ट कॉल करना है वारंटी को, वो गो वारंटी वाले ऑफिशियल MI वालों से बात करके घर पर बंदा भेजेंगे MI की ऑफिशियल सर्विस का, और TV को ठीक करके जाएंगे अगर जो भी प्रॉब्लम है। तो अगर ठीक नहीं होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलेगा, ऑब्वियसली जेन्युइन पार्ट्स यूज़ होंगे, जेन्युइन सर्विस मिलेगी, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके गो वारंटी को चेकआउट कर सकते हैं। फटाफट से इसका इनिशियल सेटअप करते हैं, इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बताता हूँ आपको, और इस TV की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और पिक्चर क्वालिटी कैसी है इसका भी आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो दोस्तों, पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे नीचे आपको एक USB 2.0 मिलता है, ऊपर भी एक मिलता है, बहुत बढ़िया है कि स्टैक में नहीं है। एक HDMI मिल जाता है, दूसरा HDMI मिल जाता है जो कि eARC का सपोर्ट के साथ आता है, तीसरा HDMI मिल जाता है, ईयरफोन का पोर्ट मिल जाता है, हेडफोन जैक से आप स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगा मुझे। जो दूसरा USB जो मैं बात कर रहा था अनस्टैक्ड वाला। नीचे की साइड बात करें तो नेटवर्क का पोर्ट मिलता है, लैंड पोर्ट बहुत सही है, ऑप्टिकल पोर्ट ऑडियो आउट के लिए, RCA पोर्ट मिल जाता है, बढ़िया है, और एंटीना का पोर्ट भी मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी Xiaomi TV को कनेक्ट कर लिया है, सेटअप कर लिया है, सब कुछ हो गया है।
इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बता दूं कि जो इनिशियल सेटअप है उसमें मेनली तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रिमोट को कनेक्ट करना, क्योंकि रिमोट ब्लूटूथ रिमोट है, आपको ब्लूटूथ को कनेक्ट करना होता है। दूसरी चीज़ रहती है ईमेल आईडी से लॉगिन करना, और तीसरी चीज़ रहती है वाईफाई से कनेक्ट करना। ईमेल आईडी और वाईफाई वाला काम आप अपने फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मैं कई बार आपको बहुत सारी टीवियों की सेटअप में बता चुका हूँ। इनिशियल सेटअप में एमआई लिखा गया, एंड्रॉयड टीवी लिखा गया, एंड्रॉयड पर ऑब्वियसली काम करती है, एंड्रॉयड 10 आई थिंक एंड एंड्रॉयड 10 ही है। और बढ़िया, एक बार रिमोट कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें रिमोट कनेक्ट करने के लिए नॉर्मल तरीका रहता है, अपने पेचोल के बटन को, होम के बटन को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे आके 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करना है, एंड इट विल कनेक्ट, एंड एक बीप का साउंड सुनाई देगा। देखिए, आपको बीप का साउंड सुनाई दिया और टीवी कनेक्ट, टीवी से रिमोट कनेक्ट हो गया हमारा ब्लूटूथली। अब हमें टीवी की तरफ एम करके रिमोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है, और कंटिन्यू सेटअप विद योर एंड्रॉयड फ़ोन। ये सिंपल सा सेटअप है, एक बार सेटअप कर लेता हूँ मैं और सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेता हूँ, और जो भी कुछ ईमेल आईडी से लॉगिन करना होता है वो सब कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, वाईफाई से कनेक्ट हो गया है और साइन इन टू गूगल भी हो गया है। टर्म्स ऑफ सर्विस आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। लोकेशन आप यस और नो कर सकते हैं, मैं इसमें यस कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर इंप्रूव एंड्रॉयड हो। यस, हम एंड्रॉयड को इंप्रूव करेंगे, तभी तो गूगल टीवी आया है। दिस टीवी डज नॉट सपोर्ट गूगल टीवी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो इसको यस कर देते हैं। गेट बेटर वॉइस कंट्रोल फॉर योर टीवी, यस इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। अ फ्यू थिंग्स अबाउट शुड नो, ओके यू शुड नो, कंटिन्यू, गेट पर्सनलाइज्ड, टर्न ऑन, एंड कुछ ऐप्स हैं ये बढ़िया है, जो ब्लॉटवेयर्स आते हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से आपको चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे गूगल मीट की ज़रूरत नहीं है, सोनी लिव चाहिए, हॉटस्टार चाहिए, जीसा चाहिए, वूट चाहिए, फेसबुक वॉच नहीं चाहिए, और ये एयर कंसोल टीवी गेमिंग कंसोल भी मुझे नहीं चाहिए। ये कुल मिला के ब्लॉटवेयर है जिसने पैसे दिए होंगे यहाँ पे होम स्क्रीन पर आने के लिए, या फिर एक टिक करवाने के लिए भी। MIQV is powered by Android TV. Let's walk through the features. उसके बाद गेट सेक्स फ्रॉम गूगल प्ले, ऑब्वियसली इसमें गूगल प्ले मिलेगा, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि देखो मैं हर रिव्यू कैसे तरीके से बनाता हूँ, जो कि एक नया इंसान टीवी ले रहा है तो उसको मुझे हर बार फीचर्स बताने पड़ते हैं। कास्ट कर सकते हो आप क्रोमकास्ट, इसमें आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। पैच ऑल आपको इसमें मिलता है, जिसके फीचर्स के बारे में अभी हम आपको यूजर इंटरफेस में थोड़ा सा बताएंगे। एंडलेस सी ऑफ कंटेंट राइट ऑन योर होम पेज, ये भी बताऊंगा मैं आपको। पैच ऑल क्विक एक्सेस का बटन आपको रिमोट में मिल जाता है, जिसको दबाते ही पैच ऑल खुल जाएगा और होम का बटन दबाते ही एंड्रॉयड टीवी का इंटरफेस खुल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ओके कर देते हैं। MI की टर्म्स एंड कंडीशन अलग से आपको एग्री करनी पड़ेंगी। इसको एग्री करने के बाद आई थिंक सेटअप इज़ फिनिश्ड एंड आपको वेलकम किया जाएगा विद द एंड्रॉयड टीवी होम स्क्रीन। ये थोड़ा जो नया गूगल टीवी वाला इंटरफेस है वो वाली स्क्रीन अभी एक दो बार जब टीवी आप रीस्टार्ट करोगे और सेटअप करोगे तो हो जाएगा। फिलहाल आपका ये रहेगा, एक बार जब पैच वॉल का बटन दबाएंगे तो आपका पैच वॉल खुल जाएगा। पैच वॉल बेसिकली एक इंटरफेस है जो कि क्यूरेटेड कंटेंट के लिए बनाया गया है। एक बार मैं सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेता हूं, और एक बार लॉगिन करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और डेमो दूंगा यूज़र इंटरफेस का। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है, सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया है। वही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, जैसे ही आप क्या कहते हैं होम का बटन दबाते हैं, जैसे ये रिमोट है, इस रिमोट में जैसे ही मैं होम का बटन दबाऊंगा आपका एंड्रॉयड वाला इंटरफेस खुल जाएगा, और मैं पैच वॉल का बटन दबाऊंगा, जैसे ही पैच वॉल का बटन दबाया तो पैच वॉल खुल जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये रिमोट जो मिलता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, सेम रिमोट है, कुछ खास फर्क नहीं है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जिन पर हॉटस्टार की कीज़ मिलती हैं, ऐप्स का बटन मिलता है, वॉल्यूम प्लस माइनस, अगर आप दो बार प्रेस करते हैं वॉल्यूम माइनस को तो म्यूट हो जाता है, वहाँ पे आप टीवी देख रहे होंगे म्यूट हो गई है, और कोई म्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। आप असिस्टेंट के बटन को यूज़ करके कुछ भी बोल के काम करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें मैंने सभी ऐप्स में लॉगिन कर लिया, मैंने पहले बताया। कुछ कंटेंट है जैसे कि रिकमेंडेड फॉर यू, तो ये अभी नेटफ्लिक्स की प्रोफाइल है, जैसे मैं लकी प्रोफाइल पर चला रहा हूँ तो उस लकी प्रोफाइल पर मैं फ्रेंड्स देख रहा था, या फिर मैं ये देख रहा था जो भी सब नाटक या मूवीज़ देख रहा था, तो जहाँ कंटिन्यू वॉचिंग भी इसी में लिस्ट आ गई है। बहुत बढ़िया लगा मुझे चीज़, वॉच हिस्ट्री अलग से आ रही है। उसके बाद इंडिया टॉप 10 टुडे में अमेजोन पे जो चल रहा है, या फिर टोटल नहीं है, टोटल मिला के है। इंडिया टॉप 10 टुडे में आप देखोगे तो रिंग्स ऑफ द पावर प्राइम वीडियो से है, हॉटस्टार से अलग है, VR सीतारामम प्राइम वीडियो से है, ये हॉटस्टार से है, सोनी लिव से भी कुछ कंटेंट है। तो अलग अलग ऐप से कंटेंट को निकाल के बाहर आपको दिखाया जाता है, ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रदान कर सके MI। ये पैचोल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द वे एंड्रॉयड टीवी पे बेस्ड है लेकिन MI का खुद का है, और उन्होंने अच्छा बनाते बनाते इसको नियरली परफेक्ट बना दिया है। अब देखिए, लाइव न्यूज़ का चैनल है, अभी मेरे को आज तक देखना है, तो Z5 के थ्रू ये आज तक चलाएंगे। जैसे ही मैं प्ले करूँगा, मैंने Z5 में लॉगिन करके रखा है, बाद में आपको बता दूँ, तो इसमें जस्ट प्ले करना है एंड Z5 खुलेगा, और उसमें मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आज तक प्ले हो जाएगा लाइव।
तो ये बहुत सही चीज़ है। हिंदी न्यूज़ का लैब आज तक HD में चलने लगा। इसको बैक कर देते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी कॉपीराइट स्ट्राइक फ्रॉम आज तक। ओके, बैक करेंगे तो ये प्रॉब्लम है कि बैक कर देते हैं Z5 खुल जाएगा, हम वापस से पैचवॉल में नहीं जा रहे। तो आई थिंक पैचवॉल इज़ वर्किंग ऑन दैट और आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से काम करना चाहिए कि बैक करें तो वापस पैचवॉल में ही जाएं हम। कुछ और न्यूज़ के चैनल्स आपको इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, इसको नहीं देखना, हमें बैक करते हैं इसको। ओके, पैचवॉल ऑफर्स यूनिवर्सल सर्च, लाइव TV, किड्स मोड एंड कंटेंट फ्रॉम ऑल एप्स, दैट इज़ एट डिफॉल्ट। मतलब जब भी आपकी TV स्टार्ट होगी तो पैचवॉल में स्टार्ट होगी। हमें इसको लेटर कर देते हैं बिकॉज मुझे कंपेरिजन्स भी करने हैं और कंपेरिजन्स में मैं चाहता हूँ कि TV को चेक किया जाए कि कहाँ पर मतलब स्टार्ट हो रही है, ऊपर आज तक चल रहा है। देखो, इसको स्टेप करना पड़ेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। पैचवॉल में वापस जाते हैं और यहाँ से आप इनपुट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और यूट्यूब, गूगल प्ले सब ऐप्स मिल जाएंगे। मोर ऐप्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर एक MI होम का ऐप भी आपको मिलेगा। जैसे ही आप MI होम में कनेक्ट करेंगे और अपनी ID से लॉगिन कर लेंगे तो MI के इकोसिस्टम में आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने लगेंगे। जैसे कि MI का एयर प्योरीफायर 3H है मेरे घर पर, उसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, और कुछ सेटिंग्स और भी कर सकता हूँ। कैमरा का भी है, जैसे कैमरा का लाइव व्यू भी मैं देख सकता हूँ। आई डोंट थिंक सो, ओके चल गया है। PIP मोड में भी आप इसको ऑन कर सकते हैं तो छोटी सी स्क्रीन पर अभी यहाँ पे आ जाएगा। अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसको अभी नहीं रहने देते हैं, छोटी स्क्रीन पर दिखता रहेगा पूरे होम स्क्रीन पर। ये मेरे घर का कैमरा है, लाइव चल रहा है, ऊपर टाइम कोड आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बाकी की सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। ऊपर कुछ स्टेप्स मिल जाते हैं, बैक कर दीजिए। तो यूज़र सेंटर है, पैचवॉल में जब ऊपर जाएंगे तो होम का टैब मिलता है, मूवीज़ का टैब दिखता है। मूवीज़ के टैब में आपको ध्यान से एक दिख रहा होगा एक चीज़, IMDB की रेटिंग। अभी जब हम बैक आए थे तो यहाँ पे कुछ IMDB की 8.5 की रेटिंग है, तो इनका IMDB के साथ टाई अप है और IMDB की रेटिंग भी आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा है, मतलब ये IMDB ने रेट किया है। फर्स्ट एपिसोड फ्री और एंड ऑल, म्यूज़िक दिखेगा, TV शोज़ आप देख सकते हैं, म्यूज़िक लाइव का सेक्शन मिल जाएगा इसमें, आप चैनल्स वगैरह जो हैं वो लाइव देख सकते हैं। बट यू हैव टू हैव सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द एप्स, जो भी आप जिस ऐप के थ्रू देखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स का कंटेंट है, जैसे अभी मैच देखना है तो मैच देखने के लिए मुझे बस इस पर क्लिक करना है। सोनी लिप का ऐप इंस्टॉल नहीं किया मैंने, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल होगा तो डायरेक्ट खुल जाएगा और काम हो जाएगा। किड्स का सेक्शन भी मिलता है, आपके घर में बच्चे हैं और वही कंटेंट देखना चाहते हैं तो किड्स का भी है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, बढ़िया है इंटरफेस, हमेशा से पेट्रोल का बढ़िया है और अभी यूट्यूब का भी इंटीग्रेशन लाने वाले हैं जल्द ही, तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा मामला। थोड़ा और नीचे आते हैं तो ट्रेंडिंग वगैरह, सेलिब्रिटीज फेवरेट, एक्सप्लोर ऑन पैचवॉल, रिसेंटली एडेड मूवीज आई लैंग्वेज, बहुत सारे टैप्स मिलते हैं। पहले तो इसमें अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग मिलती थी बट वो उन्होंने ख़त्म कर दी बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही हो रखा था, बट ठीक है, बढ़िया है। अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड की बात करते हो तो नया वाला एंड्रॉइड मिलेगा, अभी तो रीस्टार्ट करने के बाद एक दो बार में आ जाएगा सेटअप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल टिपिकल एंड्रॉइड सेटअप, ऐसा इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ, आप जाके और भी देख सकते हैं। एक बार हम ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में और सेटअप करेंगे, कुछ चैलेंज चला के देखेंगे और वो सब देखेंगे। उससे पहले ना एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐप्स को ओपन करने में कितना टाइम लग रहा है। वैसे मैंने एक एक बार ऐप्स इसमें खोला हुआ है तो शायद रैम में हो, ये भी हो सकता है। एक बार नेटफ्लिक्स खोल के देखते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। यूजुअली टिपिकल टाइम होता है 10-15 सेकंड्स इन एन एंड्रॉइड TV, और ये 4K TV है तो प्रोसेसर अच्छा होगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 15 सेकंड से कम में खोल दिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, एंड्रॉइड TVs आर स्लो, 15 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सैमसंग वगैरह की बात करते हैं तो बहुत जल्दी खुल जाता है और मुझे ज़्यादा सही लगता है। अगर आप किसी की प्रोफाइल में खुलते हैं तो तुरंत खुल जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेटफ्लिक्स वगैरह में आपको 4K HDR का भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ डॉल्बी विजन, जैसे आप खोलेंगे तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे डेली क्राइम में तो डॉल्बी विजन का लोगो बना आ रहा था, बढ़िया चीज़ है। एक बार हम प्राइम वीडियो में जाते हैं तो प्राइम वीडियो में HDR कंटेंट में डॉल्बी विजन वगैरह दिखाएगा कि नहीं, वो भी देखते हैं। प्राइम वीडियो का बटन दबाया है मैंने तो ये भी चेक हो जाएगा कि हॉटकी का बटन दबाने पर कितना टाइम लगता है प्राइम वीडियो को खुलने में, करीब 7-8 सेकंड, टिपिकल स्टफ। एंड्रॉइड टीवी इतने ही टाइम में प्राइम वीडियो को खोलती है। अभी जैसे क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड है, फैंटास्टिक द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, इसमें डॉल्बी विजन दिखाएगा कि नहीं, HDR दिखाएगा कि नहीं, देखने वाली बात होगी। UHD दिखा रहा है, HDR दिखा रहा है, चलो बढ़िया है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर कुछ भी आप कंटेंट देख रहे हो तो। मंदिश बैंडिट्स भी आई थिंक UHD है, इसमें आपको HDR नहीं दिखा रहा, आई थिंक ये HDR में होगा नहीं शो, जो शो HDR में होगा वो शो HDR में दिख जाएगा, जो शो HDR में नहीं होगा, जैसे जस्टिस लीग है जैक स्नाइडर वाली, ये तो हर फॉर्मेट में अवेलेबल है, USD, SDR, 4K सब कुछ, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आपको। आप हॉटस्टार का बटन दबाता हूँ मैं सारे ऐप्स का डेमो दे रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है। हॉटस्टार खोलूँगा, आई थिंक इट विल टेक
लेस देन 10 सेकंड्स टू स्टार्ट बिकॉज हॉटस्टार थोड़ा सा लाइट हो जाता है ऐप। अगर आप इसमें कोई कंटेंट देखते हैं जैसे कि 4K USD और डॉल्बी विजन भी लिखा आ रहा है तो डॉल्बी विजन में भी चलेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अभी पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट करेंगे तो और मालूम पड़ जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, मतलब देखना पड़ेगा। वो सिर्फ HDR कंटेंट में ही कम लगेगी, नॉर्मल कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, जो है वो काफ़ी रहेगी, लेकिन शायद HDR कंटेंट में थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। वो मैं चेक करूँगा तो आपको थोड़ा सा और बता दूंगा रिव्यू में या फिर जब ऑडियो वीडियो क्वालिटी का टेस्ट करेंगे। तो एक बार असिस्टेंट भी यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं, आप जब असिस्टेंट का बटन दबाएंगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप असिस्टेंट से अपने से। वॉट इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ? ओके 384,400 किलोमीटर। तो अभी तो जवाब सही दे दिया। आप अपने अपने स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने उसी ईमेल आईडी से लॉगिन किया है जैसे ईमेल आईडी से अपने स्मार्ट होम को बना रखा है आपने। अगर आप अपनी स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं इस टीवी से तो आपको ऐप होना ज़रूरी है। ऐप का नाम है गूगल होम, आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मतलब प्ले स्टोर पर जाके फ़ोन में। जैसे ही आप उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपकी टीवी इधर आ जाएगी, ठीक है। इसमें जैसे कि अभी आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर मतलब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना टीवी लिखा रहा है, जैसे आप इस टीवी पर क्लिक करेंगे और वॉल्यूम वगैरह भी कंट्रोल कर पाएंगे, कास्ट माई स्क्रीन पर जाएंगे और कास्ट स्क्रीन पर टच कर देंगे और स्टार्ट नाउ कर देंगे तो आपकी स्क्रीन उधर कास्ट हो जाएगी। इट विल टेक अ सेकेंड, आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो और स्टॉप मिररिंग और रिमोट भी इसी में आ जाएगा, सब थोड़ा सा डाउन करेंगे तो पूरा रिमोट सब इसी से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है मुझे, आप ये भी देख सकते हो अगर आप कास्टिंग के फ़ैन हैं, गेम वेम कास्ट करते हैं तो वो भी आप इस टीवी से साथ कर सकते हो। चलो एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट। बहुत लंबी वीडियो बनाई मैंने, 3 मिनट के टेस्ट फुटेज डाली है इस बार। ब्राइटनेस आप इस सीन में देख पाएंगे, ग्रीन देख पाएंगे, ग्रीन्स कैसे देख रहे हैं कुल मिला के सब चीज़ में आपको देखो जो 3 मिनट की वीडियोज़ हैं उसमें आपको जैसे कि इस सीन में आप देखोगे तो कंट्रास्ट आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा पाएंगे। देखो सब कुछ दिखाऊंगा इसमें आपको, MEMC टेक्नोलॉजी देख पाओगे आप इसी में। ऐसे मैंने एक मोशन ब्लर वाली फास्ट वीडियो भी डाली है, डार्क सीन्स भी डाले हैं मैंने ताकि आप ब्लैक लेवल्स का आइडिया ले पाओ। इसमें आप स्किन टोन्स का आइडिया ले पाओगे, काफ़ी ठीक लग रहे हैं मुझे, थोड़ी सब ब्राइटनेस दबी दबी सी लग रही है एंड विच इज़ लुकिंग नेचुरल आई थिंक, थोड़ा ज़्यादा ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं इस पर। ये वाला सीन में आप देखोगे मोशन ब्लर इज़ ओके एंड आई थिंक ठीक है, शायद वीडियो भी ऐसी है मैंने जब एडिट करी तो मुझे दिख रहा है। इसमें आप थोड़ा सा और स्किन टोन्स का आइडिया ले पाओगे, कॉन्ट्रास्ट का आइडिया ले पाओगे क्योंकि वाइट प्लस थोड़ा सा डार्क बीच में आपको दिख रहा है, उसका जो ब्लेजर है वो काफ़ी डार्क है। आई थिंक अच्छा है सब कुछ। MI 5X की जो पिक्चर क्वालिटी मुझे लगी थी वैसी ही है, कुछ ज़्यादा खास अंतर ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। लेकिन अगर MI 5X के दो पैनल आते थे VA और IPS वाला, अगर VA से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली बेटर सा लग रहा है या फिर सेम लग रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन IPS वाले से थोड़ा सा मुझे मामला इधर उधर लग रहा है। इसमें आप देख पाओगे ब्लैक ही दिख रहा है, हल्की सी ब्लूइश सी शेड आ रही है, शायद वीडियो में ही है या फिर पता नहीं क्या सीन है, बट इट्स लुकिंग गुड ओवरऑल एंड आई विल टोटली वॉच इट अगर मुझे देखना होगा। एंड आई विल कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी अगर मैं ये टीवी लूंगा और मुझे 4K कंटेंट देखना होगा या नॉर्मल कंटेंट देखना होगा। बाय द वे मैं आपको अभी नेटफ्लिक्स हॉटस्टार और यूट्यूब पर भी कुछ चला के दिखा दूंगा आपको, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो। इसी में आप देख पा रहे होंगे बीच में बिल्कुल शेडो बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक दिख रही है, पीछे वार्म टोन्स थी, इसमें थोड़ी सी कूल टोन्स है प्लस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट का भी आइडिया लग रहा है। आई थिंक कलर्स आर लुकिंग गुड, नेचुरल कलर्स दिखाने की कोशिश करिए, ज़्यादा पॉप नहीं कराने की। बट हाँ इस सीन में देखो येलो टोपी ब्लू उसकी जो कपड़ा है लुकिंग नाइस, पीछे ग्रीन ग्रास थोड़ी सी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा ऑब्वियसली सीन भी ऐसा होता है कि कई बार कुछ खास के कलर्स को ज़्यादा पॉप कराने की कोशिश नहीं की गई होती है। इस सीन में आप थोड़ा सा और आइडिया लगा पाएंगे लाइटिंग का एंड डिटेलिंग का, पीछे जो कप्स रखे हुए हैं प्रॉपर साफ साफ आप देख पा रहे हो, डार्क सीन्स में डिटेलिंग आप आगे और सीन्स आएंगे उसमें भी आप चेक कर पाओगे कि डार्क सीन्स में डिटेलिंग कैसी दिख रही है। जैसे कि इस सीन में तो ज़्यादा नहीं है डार्क सीन्स में डिटेलिंग, बट हाँ यू कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ जो दाढ़ी मूंछ है वो भी आप देख पा रहे हो, डार्क सीन्स में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे कि पीछे पाइपिंग है, इस पाइप में छोटी छोटी डिटेलिंग दिख रही है। 4K कंटेंट देखना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली ये सब डिटेल्स देखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी दरवाज़ा ब्लैक है ना तो उस ब्लैक दरवाजे में डिटेल्स देखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी। अब इस सीन को देखो, ये सीन बहुत टफ सीन है, सिटी का व्यू है, छोटी छोटी लाइट्स हैं, वो उसकी ब्लूमिंग या फिर ब्लीडिंग की वजह से अगर लाइट फैलती है तो पूरा सीन खराब कर देती है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट दिख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा इससे बेटर देखा नहीं है मैंने, बट हाँ काफ़ी सही है एंड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। एक बार हम ऑडियो का टेस्ट और कर लेते हैं। तो एक गाना बजाएंगे और माइक को नीचे रखूँगा और धीरे धीरे आवाज़ बढ़ाऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि कैसी इसकी आवाज़ आती है। 30 वाट के स्पीकर दिए गए हैं।
this gonna go. I know everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. I know everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. I know everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going, don't really know where the world is gonna go. I know everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Would you want to be the way you perceive? And you can have everything you want. It's your destiny. तो सच्चाई ये है कि लोज आर गुड, बहुत ज़्यादा गुड। इसके अगर आप लो वॉल्यूम अगर 40 तक सुनोगे ना तो आपको क्लैरिटी तो सुनाई देगी ऑडियो में, बेस भी अच्छा है, एंड अगर थोड़ा सा जैसे कि मैंने टीवी को थोड़े डिस्टेंस पे रखा है तो परफेक्टली सुनाई देगा। करीबन एक फीट का डिस्टेंस है, ऑब्वियसली अगर आप स्टैंड माउंट करते हैं तभी ये सेटिंग रिलायबल होगी। अगर आप इसे वॉल माउंट करते हैं तो थोड़ा मामला इधर उधर हो सकता है। वैसे बॉटम स्पीकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत आप एक्सपेक्ट करके चलें। डिस्टॉर्शन हाइज पे है थोड़ा बहुत, जो कि 80 के ऊपर मुझे लगा, लेकिन हाँ ये टीवी को अगर आप घर में ले रहे हैं 30 वॉट के स्पीकर, मेरे हिसाब से 30 या 40 इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड इंडियन हाउस होल्ड में देखा जाएगा, अगर आपके घर में एक दो लोग भी हैं तो। क्योंकि सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलती जब आपको टीवी को फुल वॉल्यूम में चलाना होता है, सबकी मर्जी होना ज़रूरी है। और इसका 100 की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जो कि आई थिंक आपके किसी भी घर में मेरे माता पिता तो कभी नहीं देने वाले परमिशन कि भाई 100 की वॉल्यूम पे टीवी को चलाने दो, क्योंकि काफ़ी लाउड है। बट क्लैरिटी, बेस वेस सब कुछ सही है, हाइज थोड़े से डिस्टॉर्शन होते हैं, वो लगभग हर टीवी में होते हैं, इसकी अकेले की परेशानी नहीं है। तो ये था ऑडियो वीडियो क्वालिटी का टेस्ट। एक बार मैं ना थोड़ा सा HDR कंटेंट और चलाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा आइडिया दे पाऊँ। नेटफ्लिक्स पर हम चलेंगे एंड HDR कंटेंट चलाएंगे, दिल्ली क्राइम का एक एपिसोड चला के देखते हैं। दिल्ली क्राइम वालों, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डोंट गिव मी अ कॉपीराइट स्ट्राइक, इट्स जस्ट अ डेमो फॉर द टीवी। तो इट्स सपोज डॉल्बी विजन, सबसे पहले तो मैं रिज्यूम वॉचिंग कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कुछ ऐसा सीन ना दिख जाए। सबसे पहले तो उल्टा सीधा डिटेलिंग सही है, ब्लैक देखो बिल्कुल डार्क सीन्स हैं ये, एंड जो सीपीआई वाला लुक है वो सही आ रहा है, एंड आई थिंक ब्राइटनेस ओके, सीन थोड़ा सा अलग ही है, थोड़ा कुछ और सीन पे जाते हैं ताकि हम थोड़ा सा और आइडिया अच्छे से ले पाएँ। कुछ ब्राइट सीन या फिर ऐसे सीन पे जाते हैं तो देखो डार्क सीन्स तो थोड़े बहुत HDR में एकदम परफेक्ट ब्राइटनेस होनी चाहिए टीवी की, तभी अच्छा दिखता है। इट्स लुकिंग डिसेंट, आई कुड गिव इट अ पास, बट आई हैव सीन बेटर, आई थिंक आई हैव सीन बेटर, डेफिनेटली सीन बेटर। अरे यार, मतलब ठीक है डिटेलिंग है डार्क सीन्स में, बढ़िया दिख रहा है, बट इट कुड हैव बीन बेटर, थोड़ी सी और ब्राइटनेस होती तो आप HDR सीन्स को और अच्छा दिखा सकते। ब्राइट सीन्स में ठीक दिख जाएगा, बट डार्क सीन्स में अगर आप देखोगे तो डिटेलिंग मिसिंग रहेगी, एंड आई थिंक यू कुड हैव बेटर, आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप MI 5X के IPS पैनल की तरफ जाते हो तो। लेकिन वो IPS पैनल आपके हाथ में नहीं है ना, आप लोगे तो VA भी मिल सकता है और आपको IPS भी मिल सकता है, वो आपकी चॉइस नहीं है। तो टीवी इज़ परफेक्टली फाइन, इसमें कोई ऐसी समस्या वाली कोई चीज़ नहीं है। बस यही है कि आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप 3,000 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के MI 5X लोगे या फिर ये लोगे। अब सेल के प्राइजेस में MI 5X भी आपको इसी के प्राइस के अराउंड मिलेगी, और इसी प्राइस में और भी बेटर टीवीज़ हैं, और लेकिन आप Xiaomi का ट्रस्ट चाहते हो, Xiaomi की सर्विस बेस्ट है और जो डिज़ाइन है वो बहुत सही है, पैचवॉल चाहते हो, ये सब सवालों के जवाब भैया रिव्यू में लेंगे या फिर आपको इस टीवी का और टीवियों के साथ कंपैरिजन होने वाला है उसमें आना पड़ेगा उस वीडियो में। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ, बैक टू द कैमरा, थोड़ा सा और आपको आइडिया देते हैं इसके बारे में और इस वीडियो के वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो टोटल हो चुका है सब कुछ इस टीवी का पूरा पोस्टमार्टम, और मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट टीवी फॉर इट्स प्राइस। कॉम्पिटिशन थोड़ा सा तगड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, कंपटीशन तो हमेशा तगड़ा ही रहेगा। Xiaomi टीवी ने अब खुद के ही कंपटीशन में इतनी निकाल दिया, अब रेडमी से बेटर है कि MI 5X से बेटर है, खुद के से ही कंपेरिजन करना पड़ रहा है, इतनी सारी टीवियाँ आ गई हैं। लेकिन आई थिंक MI 5X से थोड़ा सा कमी है मामला, बट प्राइस भी कम है, और ओवरऑल पूछोगे तो ओके गूगल फायरफील्ड वॉइस का सपोर्ट भी नहीं मिलता है जिसमें, नीचे माइक नहीं दिए गए हैं इसमें, लेकिन हाँ ओवरऑल ग्रेट टीवी, बेजलेस डिजाइन के साथ आती है, पिक्चर क्वालिटी इज़ गुड, ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले MI 5X जैसी थी उसी लेवल की है। लेकिन MI 5X में आपको 40 वॉट के स्पीकर्स मिलते थे, लेकिन यू डोंट गेट लाउड इनफ ना, मतलब आप इतना लाउड जाते नहीं हो ना जब भी आप टीवी देखते हो, तो 30 वॉट इज़ मोर देन इनफ, प्रॉब्लम नहीं आएगा।
फिर से कहूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई भी और सवाल हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। थर्सडे और संडे को हम शाम को 4 बजे लाइव करते हैं। सेल में टीवी खरीदनी चाहिए, यस इट्स कमिंग ऑन अ ग्रेट प्राइस। MI 5X लेनी है या ये लेनी है, इसके लिए सलामत शुरू कर लेंगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप जाके पूछ ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।